खाने में भी लाजवाब है। हेलो गाइस, सब्सक्राइब करें रश्मिज व्लॉग यूट्यूब चैनल और बेल आइकन प्रेस कर लें हमारी नई नई वीडियोस देखने के लिए। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये चॉकलेट टी बिस्किट्स जो कि बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनते हैं और सिर्फ 6 मिनट में मैंने इसको बना करके रेडी कर लिया। आप देख सकते हो और कितनी सॉफ्ट और क्रंची है, ये तो आपने देखा ही है, बहुत ही बढ़िया बनते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 40 से 50 ग्राम आपको बटर या घी लेना है। आप चाहे तो बटर ले सकते हैं यहाँ पे, चाहे तो घी भी ले सकते हैं, तो जो भी आपके पास में है वो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे वनस्पति घी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बटर और घी को आपको एक बाउल में डालना है और नीचे आपको आइस लगा देना है। तो आइस का कंटेनर रखें या फिर ठंडा पानी आप नीचे रख सकते हैं, उससे ये फटाफट में फ्लफी हो जाता है। तो इससे मैं लगभग 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से बीट करूंगी। तो आप स्पून का इस्तेमाल कर सकते हैं बीट करने के लिए, या फिर जो हैंड मिक्सर होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो बटर का, जो घी का कलर है वो काफ़ी चेंज होने लगा है, काफ़ी वाइट कलर में चेंज हो रहा है और एकदम से क्रीमी टेक्सचर में आ रहा है। तो जब ये 2 से 3 मिनट हो जाए और एकदम से थोड़ा फ्लफी हो जाए तो आप इसके अंदर डाल दीजिएगा शुगर पाउडर। तो ये मैंने लिया है 50 ग्राम शुगर पाउडर और इसको इसके अंदर पहले अच्छे से मिक्स करूंगी और मिक्स करने के बाद फिर से वैसे ही 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से बीट करूंगी इसको फ्लफी होने तक। इससे हमारे बिस्किट्स खस्ता बनते हैं और एकदम से क्रंची बनते हैं। तो आपको 2 से 3 मिनट एकदम से फास्ट हाथ से कोई भी बीटर से इसको बीट करना है। वीडियो हमारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइज, आप भी ये बिस्किट जो है वो घर पे बना सकते हैं, एकदम सिंपल सा तरीका मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। तो इसको 2 से 3 मिनट बीट करने के बाद इसका कलर आप देख सकते हो थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो मैंने इसमें डाल दिए थोड़े आइस की टुकड़े। तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप अच्छे से बिस्किट्स बना रहे हो तो आपको आइस डालना बहुत ज़रूरी है। तो 3 से 4 छोटे छोटे टुकड़े आइस के इसके अंदर डाल दीजिएगा और अच्छे से बीट करना है। जब ये एकदम से वाइट सा हो जाएगा तब हम इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो लगभग 2 से 3 मिनट मैंने फिर से इसको अच्छे से बीट किया। अब मुझे लग रहा है ये फ्लफी हो गया, तो मैंने आइस को हटा दिया है और अब इसको मैं ऐसे ही अच्छे से बीट कर रही हूँ। तो 1 मिनट के लिए और बीट करेंगे। तो टोटल 5 से 6 मिनट आपको इसको अच्छे से बीट करना है, उसके बाद में आपको डालना है। मैं यहाँ पे आज मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा डाल करके अच्छे से इसको छान लीजिए। आप चाहे तो इसके अंदर सूजी भी ऐड कर सकते हैं और कोकोनट का बूरा भी, अगर आप कोकोनट के बिस्किट्स पसंद करते हैं तो वो भी आप डाल सकते हो। पहले इसको अच्छे से मिक्स करेंगे फिर हाथों से इसका डो जैसे बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे हैंड मिक्सर को रख दिया है और अब मैं इसका हाथों से जो है वो डो बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी ये थोड़ा सा हल्का सा, मतलब 1 छोटा चम्मच दूध आए इतना सा ये ड्राई है, बाकी वैसे बैटर अच्छे से मिक्स हो गया, ऐसी कोई बात दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पूरा बढ़िया से मिक्स हुआ है। तो इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। 1 पार्ट्स में मैं चॉकलेट न्यूट्रेला डालूँगी और आप चाहे तो कोको पाउडर भी मिक्स कर सकते हो सिर्फ, और 1 पार्ट्स में मैं थोड़ा सा दूध डालूँगी। तो दूध थोड़ा ज़्यादा आ गया, इसको मैं थोड़ा निकाल देती हूँ। 1 छोटे चम्मच के जितना ही, मतलब खाने वाला छोटा सा चम्मच होता है ना, और 1 चम्मच या फिर 1/2 चम्मच इतना ही आपको दूध डालना है। तो ये देखिए डो अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसको सेट होने के लिए रख देते हैं हम साइड के अंदर और जो दूसरा हमारा चॉकलेट वाला डो है वो तैयार कर लेते हैं। तो इसके अंदर मैं डालूँगी, ये देखिए, ये आप देख सकते हो ये न्यूट्रेला जिसको हम ब्रेड पर लगा के खाते हैं वो न्यूट्रेला चॉकलेट, और ये मैंने लिया 1 छोटा चम्मच और थोड़ा सा मैं इसके अंदर डालूंगी कोको पाउडर भी।
दोनों को डाल करके अच्छे से मिक्स करना है। तो पहले न्यूट्रेला को डालना, उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स करना है और फिर आपको कोको पाउडर भी मिला लेना है, क्योंकि न्यूट्रेला से पूरा एक्चुअली कलर नहीं आ रहा है। टेस्ट तो आ जाएगा एक स्पून से, पर थोड़ा कलर इसका लाइट रह गया है। तो मैं यहाँ पे कोको पाउडर डाल रही हूँ, या चॉकलेटी पाउडर का भी अब इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा दूध डालेंगे और अच्छे से डो तैयार कर लेंगे। अब डो का कलर आप देख सकते हो काफ़ी से चेंज हो गया और एकदम से चॉकलेटी डो हमारा तैयार हो गया है। तो दोनों हमारे डो तैयार है, इनको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे और इसके बाद हम बिस्किट्स प्रिपेयर करेंगे। तो हमारे दोनों डो तैयार हैं, इनको हम रख देते हैं। अब देखिए दोनों डो को मैंने इस तरह से इसे ऐड किया कुछ, और उसके बाद मैं इस तरह से इसकी छोटी छोटी पीसेज कट करके और इसकी बिस्किट्स बना रही हूँ। बिस्किट्स इसके काफ़ी डिजाइंस के बनाए जा सकते हैं। देखिए इसको ऐसे ही सीधा करने से ये इस तरह की डिजाइंस का बिस्किट्स जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। तो छोटी छोटी लोई के रूप में कट करना है और उसके बाद आपको इस तरह से बिस्किट्स बना लेने हैं। तो देखिए ये जो दो आप डिज़ाइंस देख रहे हो, ये सारी डिजाइंस मैं आपको दिखा रही हूँ। तो चलिए एक डिजाइंस मैंने बना लिया है, अब मैं दूसरा डिजाइंस यहाँ पे प्रिपेयर कर रही हूँ, तो वो भी आप ज़रूर देखें। तो आपको क्या करना है, एक लोई के जितना से आपको कट करना है, एक बिस्किट्स के जितना, और फिर आपको ऐसे इसको ऐसे गोल गोल करके ऐसे दबा देना है। तो ये भी आपका एक डिज़ाइन हो जाएगा बिस्किट्स का, बहुत अच्छा इसका। देखिए आप तो इतने पतले पतले ये फूल करके अपने आप जो है ना बहुत ही बढ़िया क्रंची से तैयार हो जाएंगे। अभी इसमें और जगह तो एक से दो बिस्किट्स हम और तैयार कर लेते हैं। तो अब देखिए अब मैं आपको एक डिज़ाइन और बताती हूँ। इसको आपको ऐसे गोल गोल करना है और इसको हमें ऐसे ही फैला देना है। तो ये आपका कुछ इस तरह का डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। एक बिस्किट्स का स्पेस और है इसमें, तो चलिए एक बिस्किट्स और बना लेते हैं। अब जो मैं बना रही हूँ वो भी आप ध्यान से देखिएगा। बस इसी तरह से हथेली से थोड़ा दबा करके आपको बिस्किट्स का शेप देना है और बिस्किट्स आपको तैयार करना है। चलिए अब लास्ट बिस्किट्स भी और जगह थोड़ा स्पेस बना करके हम रख देंगे। शायद जब ये सीखेंगे तो हो सकता है ये चिपक जाए आपस में, परंतु मैं इसको इस तरह से बना रही हूँ। लास्ट का जो था उसको मैंने इस तरह से बना लिया है। तो हमारे सारे जो बिस्किट्स है वो तैयार हो चुके हैं ऑलरेडी। थोड़ा थोड़ा ट्रे के अंदर थोड़ी थोड़ी स्पेस करके हम सारे बिस्किट्स को रख देंगे। तो आप देख सकते हो अलग अलग डिज़ाइंस मैंने आपको प्रिपेयर करना बताए हैं। ये डिज़ाइंस भी मैं आपको लीजिए बता देती हूँ इसको कैसे बनाना है। इसको आपको ऐसे ऊपर और नीचे से ऐसे लोई के जैसे गोल गोल कर लेना है और इसके बाद आपको दबा करके वैसे कर लेना है। तो इसका भी अलग सा डिज़ाइंस आ जाएगा। तो दोनों कलर को मैंने पहले मिक्स किया अलग अलग बेल करके और फिर इस तरह से इसके जो बिस्किट्स हैं वो मैंने प्रिपेयर कर लिए। तो आप ना अपनी मनपसंद के अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइंस शेप दे सकते हैं। मैंने तो कुछ डिज़ाइंस आपको दिखाए हैं और सारे अलग अलग डिज़ाइंस मैं आज इस ट्रे में लगा रही हूँ, जो कि मैंने आपको बना करके सारे दिखा दिए हैं अलग अलग तरह से। तो ये इस तरह से बनते हैं बिस्किट्स। तो ये मैंने इसको कन्वेंशन मोड पे, ये आप देख सकते हो ये है इसका कन्वेंशन मोड, और प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये प्री हीट हो चुका है। तो अब मैं ट्रे इसके अंदर रख देती हूँ और 6 मिनट का यानी 6 मिनट का टाइमर लगा देती हूँ, और क्योंकि एकदम हमने पतले पतले बनाए हैं तो 6 मिनट में ये रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम 6 मिनट का टाइमर सेट कर देते हैं, इसको स्टार्ट कर देते हैं बेक होने के लिए, और मैं आपको दिखाऊंगी 6 मिनट के बाद जब ये बेक हो जाएंगे। अब ये देखिए बेक होना शुरू हो गए हैं, आप देख सकते हैं हमारी ट्रे अच्छे से बेक हो रही है। बेक होने के बाद आप देखिए रिजल्ट बहुत ही
बढ़िया से तैयार हो चुके हैं। चलिए खोल लेते हैं और निकाल लेते हैं ट्रे। आप देख सकते हो कितने बढ़िया बिस्किट्स बेक हुए हैं। वाह सुपर, बहुत ही बढ़िया चॉकलेटी कुकीज़ तैयार हुए हैं। तो गाइज कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।